नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज उन्नाव। उन्नाव में लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में मौतों की संख्या बढ़कर पहुंची 6। उन्नाव घटना का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। डंपर कार को घसीटते हुए गिरा खाई में कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत, जबकि 2 अन्य राहगीर माँ बेटी की भी हुई मौत। कुछ 6 लोगों की मौत से दहला उन्नाव। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने पुलिस के वाहनों पर किया पथराव, एक सिपाही हुआ घायल। राहगीरों ने ड्राइवर को पीटा, बचाने आए कांस्टेबल को भी जमकर पीटा, ड्राइवर हुआ फरार। जिला अधिकारी समेत जिले के कई अधिकारी जिला अस्पताल में मौके पर पहुंचे। अपर पुलिस अधीक्षक सीओ सदर व एसडीएम सदर मौके पर। आसपास आजाद चौक जो थाना चलगंज में है एनएच पे, वहां पर एक ट्रॉला से एक कार का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 3 लोग जो कार सवार थे उनकी दुखद रूप से मृत्यु हो गई। साथ ही 3 लोग जो बाहर खड़े थे चौराहे के पास, वो भी इसकी चपेट में आ गई। उनकी भी वहीं पर अस्पताल लाने के बाद उनको मृत घोषित किया गया है। इस प्रकार पूरी इस घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी तक प्रथम जो जांच हुई है उसमें एक पाया गया है कि चालक जो था, जो ट्रॉला का चालक था, बहुत तेज गति से गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई है। कितने लोग घायल है? इसमें चालक भाग गया है, गाड़ी को पकड़ लिया गया, जल्दी हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है और आगे की कार्रवाई।